और बढ़ते आगे, जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए हैं और कैबिनेट को पेपरलेस बनाने का फैसला लिया गया है। वित्त विभाग की दो संस्थाओं को मिलाकर एमपीओ का गठन किया है। बजट के समय क्या क्या सावधानियां रखना है इसका भी निर्णय लिया गया। वित्त विभाग का एमपीओ करेगा बुरहानपुर, मैहर सहित नए जिलों में नई जेल बनाने का निर्णय। 15 अगस्त पर कैदी रिहा होंगे। जी हां, कुछ कैदियों को रिहा किया जाएगा जिनका आचरण अच्छा रहा होगा। 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा, यानी कि 15 अगस्त धूमधाम से मनाएगी सरकार। नई पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता कितनी मुश्किल से मिली है। 10 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में राशि जमा होगी। आदिवासी छात्रावासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए मुख्यमंत्री ने टीम बनाई और किसानों की सीमांकन नामांकन की समस्या को जल्द दूर करने के लिए साइबर तहसील शुरू करने का भी निर्णय लिया गया इस बैठक में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं मोहन कैबिनेट में। बिल्कुल, संभव बात की जाए तो करीब ये कह सकते हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए कैबिनेट के अंदर और उस पर अंतिम मुहर भी लगी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात की जाए तो तमाम युवा वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, या फिर हम अलग अलग योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसको लेकर भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। लाडली बहना योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। इस बार 1250 के साथ साथ 250 रुपए और दिए जाएंगे, यानी करीब 1500 रुपए दिए जाएंगे और उसको लेकर भी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव आया। 10 तारीख को ये अकाउंट में सीधे महिलाओं को, करीब 1,30,00,000 महिलाओं को सीधे अकाउंट में दिए जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो वित्त विभाग की बात की जाए तो वित्त विभाग को लेकर ये चीजें निकल कर सामने आ रही थी कि बार बार के जो राशियों का आवंटन अलग अलग विभागों में किया जाता है उसके उसमें अनियमितताएं आती है, तो एक पद क्रिएट किया गया है और वो पूरी तरीके से निगरानी रखेगा क्या क्या सावधानी वित्त विभाग के अंदर रखनी है पैसा आवंटन करने के दौरान। तो ये एक चीज का ये फैसला हुआ। इसके अलावा बात की जाए तो किसानों को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण चीज का फैसला ये हुआ है कि सीमांकन और नामांकन को लेकर कई बार किसान परेशान होते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में साइबर सेल जो है उसका गठन हो चुका है किसानों को लेकर, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी, जिसके जरिए ऑनलाइन ही सीमांकन और नामांकन होगा, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। और इसके साथ साथ बात की जाए तो और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके अंदर आदिवासियों के छात्रावास की बात की जाए तो उनकी सुविधाओं को अपग्रेड भी किया जाएगा। इसके अलावा चाहे जन्माष्टमी की बात करें, रक्षाबंधन की बात करें, 15 अगस्त की बात की जाए तो अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे और सारे त्यौहार, चाहे देश का त्यौहार हो, आजादी का त्यौहार हो या फिर धार्मिक त्यौहार हो, जो सरकार है वो तमाम त्यौहार इस बार धूमधाम से मनाती हुई नजर आएगी और उसको लेकर पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। ये तमाम फैसले कैबिनेट के अंदर लिए गए हैं। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उसके बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसले लिए गए, उस पर मुहर लगाई।